चलिए वेलकम अगेन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और कांस्टेंट फोर्स जब वर्क करता है तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो टाइम के साथ न बदले। कांस्टेंट का मतलब स्थिर, कांस्टेंट का मतलब, और स्थिर का मतलब जो टाइम के साथ बदलता ना हो। जैसे कोई एक बच्चा है और इस बॉक्स को वो धक्का दे रहा है, और धक्का देने पर उसका फोर्स क्या है? फिक्स है, उसकी ताकत जो है वो फिक्स है। तो हमारा जो बल होगा वो कांस्टेंट होगा, बोलो। और कोई निश्चित डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो रहा हो, एक निश्चित फोर्स द्वारा एक निश्चित डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। कोई फोर्स अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हो जाएगा वो वेरिएबल। कभी कभी क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करने लगता है, या डिस्टेंस पे डिपेंड करने लगता है, या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करने लगता है। तब हम ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स। ऐसी कंडीशन में एफ जो होता है वह कोई निश्चित राशि नहीं होती, वहां पर एफ कोई निश्चित राशि नहीं होती। जैसे एफ अगर हम कह रहे 5 न्यूटन, तो बताओ वो कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल? अभी कुछ लोग बोल रहे हैं वेरिएबल। क्या 5 6 हो सकता है? क्या 5 10 हो सकता है? 5 की वैल्यू 5 से चेंज हो सकती है? नहीं, वह समय पर निर्भर नहीं है। 5 को हम 6 नहीं लिख सकते। तो हमारा वेरिएबल फोर्स क्या है? जो टाइम पर डिपेंड करे। तो यह बराबर अगर हम बोल रहे हैं 5 न्यूटन, तो यह कांस्टेंट फोर्स है। और यह बराबर अगर हम कह रहे हैं 5x, तो ये वेरिएबल है, क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 मीटर पर 5 एकम 5 न्यूटन, 2 मीटर पर 5 दूनी 10, तो 3 मीटर पे 5 3 जा 15। तो इसी तरह से अगर एफ इक्वल टू हम कर रहे हैं 5 t, तो ये टाइम पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? टाइम पर। तो अगर 1 सेकंड पर हमें यह डिस्प्लेसमेंट लेना है तो 5 × 1 दैट इज 5, 2 सेकंड पर 5 × 2 10 न्यूटन, 3 सेकंड पर। तो कोई जरूरी नहीं 5 t ही हो सकता है वो 2 t हो सकता है एफ जो है वो ऐसे हो 3 t² हो। एफ इक्वल टू 2 t² + 3 t ऐसे हो। मतलब ये अगर रहेगा तो या तो ये t के पदों में रहे या तो x के पदों में रहे। तो ऐसा फोर्स क्या होता है? वेरिएबल, ठीक है ना। और वेरिएबल फोर्स जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट या पोजीशन डिपेंडेंट हुआ करता है। लेकिन शुद्ध संख्या अगर है जिसमें टाइम या डिस्टेंस यानी टी या एक्स का फंक्शन नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स सीधे सीधे एफ लिखा जाता है इसको, और वेरिएबल फोर्स को ये अब हम एक्स बोलेंगे, तुम कहोगे अगला वाई होगा। ये क्या है? भांग खा के बैठे रहते हो, कुछ कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है ना। ऐसे फर्जी नहीं काम बोला करो, है कि अगर एक चीज एक्स है दूसरी चीज क्या होगी, तुम बोलोगे वाई, है ना। कोई लॉजिक है? हम कह रहे हैं कि फोर्स या तो एक्स वेरिएबल होगा या तो कह रहे हैं वाई, या तो एक्स पर डिपेंड करेगा या तो टी पर, ठीक है ना। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल फोर्स है तो एफ ऐसे ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे। इसको बोला जाता है फोर्स जो है वो यक्स के पदों में है, यक्स के टर्म में है, यानी फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। या एफ अगर ब्रैकेट में से टी लिखा जाए तो इसका मतलब है कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ टी, यानी फोर्स टी के पदों में ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फोर्स अगर यक्स के पदों में है तो ऐसे हो सकता है ना, ये वाला, ठीक। तो मतलब अगर कोई फोर्स एक्स या टी पर डिपेंडेंट है तो वह वेरिएबल फोर्स है। और कोई भी फोर्स अगर शुद्ध संख्या के रूप में है तो वो कांस्टेंट
कांस्टेंट फोर्स है। अब बताओ एफ इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप न्यूटन, बताओ ये कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल? कांस्टेंट फोर्स है। और ये वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ फोर्स को तीन कंपोनेंट के रूप में लिखा गया है। हियर फोर्स हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स, लेकिन अभी कहीं यहाँ टी नहीं है, कहीं एक्स नहीं है, इसलिए ये कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। ठीक, इसकी वैल्यू बदल नहीं रही, तीन की जगह कुछ और नहीं हो सकता, यहाँ टाइम नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर ऐसा हो, वेक्टर एफ इक्वल टू टू आई कैप टी स्क्वायर प्लस फाइव जे कैप टी प्लस नाइन के कैप न्यूटन, अब बताओ ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। क्यों है? क्योंकि टी की वैल्यू अगर बदल दोगे, टी की समय तो लगातार बदलता रहता है, इसका मतलब समय की पे निर्भर कर रहा है, तो समय पर अगर कोई फोर्स निर्भर करे या पोजीशन पर निर्भर करे तो हम ऐसे फोर्स को वेरिएबल फोर्स कहते हैं। और यह कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है, ये वेरिएबल का। ठीक है ना, यहाँ पर ये यहाँ केवल परिमाण में लिखा गया है, मैग्नीट्यूड में, और यहाँ डायरेक्शन के साथ लिखा गया है, तो इसमें जो भी डायरेक्शन होगी वो फिक्स होगी, है ना, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है वो फिक्स है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर वेरिएबल फोर्स कब होता है? जब वो टाइम डिपेंडेंट या पोजीशन डिपेंडेंट हो। कांस्टेंट कब होता है? जब उसका नंबर फिक्स हो, उसकी वैल्यू फिक्स हो। ठीक, तो कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहां एफ क्या है? एफ क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर एफ, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कर देते हैं। ठीक, एस को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर एस, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या है? और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब दो तरह के क्वेश्चन यहाँ तुम्हें मिलेंगे। एक क्या कि इफ ऑन अप्लाइंग ए फोर्स 20 न्यूटन, क्वेश्चन यही है, इफ ऑन अप्लाइंग ए फोर्स 20 न्यूटन ए बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 5 मीटर, ए बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 5 मीटर, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्री देन फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन समझ लिए, लिख लेना घर जाके। तो W बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, F की जगह 20, S की जगह 5 और cos 60। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना न्यूटन, कितना वर्क डन हो जाएगा? 50, और ये हो जाएगा जूल। आंसर आ गया कि नहीं आंसर आ गया? ये आ गया। दूसरा जो यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि इफ ऑन अप्लाइंग ए फोर्स एफ इक्वल टू, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है तुम्हें। क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है कि F इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप न्यूटन, वेक्टर F इक्वल टू इतना है, एंड वेक्टर S इज इक्वल टू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप मीटर, ये न्यूटन में है, ये मीटर में है,
फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। क्वेश्चन ऐसे तुम्हारी किताब में है, रिफ्रेशर में लगाना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो ये अब यहाँ पर इस ये फार्मूला नहीं लग सकता, F S cos थीटा से नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होगा, वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के रूप में इसको काम करेंगे। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। कभी कभी क्या होता है कि ये आगे पीछे दिया रहता है उल्टा पुल्टा। तो डॉट प्रोडक्ट में तुम्हारा नियम क्या था कि i कैप का कोफिशियंट i कैप के साथ j कैप का कोफिशियंट, अगर यहाँ कुछ कोई पहले लिखा हो कोई बाद में, तो उसमें i कैप वाले को देखना कि i कैप का कोफिशियंट कहाँ है। तो आगे पीछे लिखा रहने से कोई मतलब नहीं, ये मत करना कि पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता। आई कैप का कोफिशियंट यहाँ यहाँ तीन है, यहाँ चार है, तो तीन गुणे चार प्लस जे कैप का कोफिशियंट चार है, यहाँ तीन है प्लस, यही तो नियम है। इसमें सेम आई कैप सेम जे कैप सेम के कैप के कोफिशियंट का मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया जाता है, फाइव के कैप और माइनस टू, तो फाइव इंटू माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, बारह प्लस बारह माइनस दस, तो चौबीस माइनस दस चौदह जूल। तो ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होता है वह दो तरीके से प्रश्न आते हैं, या तो एफ और एस और थीटा दिया होगा, और या तो तुम्हें वेक्टर एफ दिया होगा आई कैप जे कैप के कैप में, और वेक्टर एस दिया होगा। ठीक, कभी कभी वेक्टर एस ना देकर दो पोजीशन दी रहती है, एक पोजीशन आर वन कहा जाएगा, जब फोर्स इतना लगाए तो आर वन इतना था आर टू इतना था। तो अगर मान लो आर वन ऐसे दे दिया गया, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप आर टू, फोर आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस टेन के कैप, ऐसे तो क्या करोगे, तब वेक्टर एस निकालना पड़ेगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन क्या करोगे, घटाओगे, वेक्टर आर टू में से वेक्टर आर वन घटाओगे। अब यहाँ पे जब घटाओगे तो ये वाले में से अलग घटता जाएगा, ये वाले में से अलग घट जाएगा, ये वाले में से अलग, माइनस कर दो ब्रैकेट लगा के, क्या करो इसे माइनस करो, जो जो घटता जाए वो आ जाएगा, फिर यफ तो ये रहेगा, यस की जगह यहाँ जो आएगा वो उठा के रख देना। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया होगा आई कैप जे कैप के कैप में, या एक पोजीशन दी रहेगी फाइनल वाली, एक पोजीशन दी रहेगी इनिशियल वाली। तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब फिर क्या करना, वेक्टर एफ को वेक्टर एस से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। ठीक है ना, तो होमवर्क लिख लो, पांच क्वेश्चन तुम लोग इसको करके लाना, फाइव क्वेश्चंस ऑन वर्क डन। ठीक है ना।